मैं हूँ तनवी और जुड़ चुकी हूँ एक बार फिर से द जे के पेजेस के साथ। और आज आपको लेके आई हूँ एक स्कूल में। स्कूल का नाम है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, तो ये है कुरकू में। देख लीजिए, ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ साथ आज मैं भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ चुकी हूँ। मेरी टोपी जो आप देख रहे हैं, तो मैंने भी UKG आज पास कर ली और फर्स्ट क्लास में मैं जाऊँगी। तो आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, बच्चे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई सुना दो भी। मैं रही हूँ देश का सिपाही, बोलो मेरी जय हिंद जय। ब्लू कलर का इन्होंने पहना और येलो कलर की इनकी बाजू और जो इनको पहनाया है उस पे लैस टाइप लगा हुआ है। कितने सुंदर प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो लग रहे हैं। हमने कल होली खेली, किस किस को कलर लगाया? मम्मी दिया तो मेरी अपनी बहन को। सबको लगाया? मम्मी पापा को लगाया? मुझे। कितनी सुंदर क्यूट क्यूट है, नाम बताइए अपना। माय नेम इज बाविका शर्मा। ओके बाविका, आपको सॉन्ग आता है? यस। उधर देखो, सॉन्ग आता है? यस। सुनाओ फिर। आपको मिल गया आपका सर्टिफिकेट? अभी न्यू क्लास में जाने का मन कर रहा है? न्यू फ्रेंड्स बनाने का मन कर रहा है? तो फिर क्या क्या नया लोगे आप न्यू क्लास में जाने के लिए? बहुत कुछ में क्या क्या? बहुत ज़्यादा फ्रेंड है। खाने में क्या पसंद है आपको? पटेटो पसंद है। मेरा नाम है दियांशु शर्मा, मैं डांस करूँगा। ठीक है, करो। मेरा नाम दियांशु शर्मा, मैं आज डांस करने जाता हूँ। करो। मैं दियांशु क्लास दियांशु शर्मा, मेरा नाम है दियांशु शर्मा, क्लास कर रहे हैं। देखिए इनके ड्रेस कोड भी थोड़ा इन्हीं से जान लेते हैं इनके बारे में। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम है और हमारे ड्रेस कोड साड़ी दिया हुआ है, एज आप जैसे कि आप सब देख रहे हैं। तो अभी हम बच्चों को सबको प्रिपेयर करके लेके जा रहे हैं, एक एक करके सब जाएंगे स्टेज पे अपने गिफ्ट के लिए। अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी है आज इनकी, और अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्लास वन में जाएंगे। मैं हूँ तनवी और जुड़ चुकी हूँ एक बार फिर से द जे के पेजेस के साथ। और आज आपको लेके आई हूँ एक स्कूल में। स्कूल का नाम है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, तो ये है कुरकू में। और आपको पता ही है कि काफ़ी समय से जो स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही लगते हैं। तो आज स्कूल में लाने का मतलब था कि चलिए आपको देखिए ही स्कूल में क्या क्या हमें देखते हैं। और काफ़ी समय के बाद बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकलेंगे स्कूल में, और यही चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी भेजिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। और आइए देखते हैं बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं। और आज स्कूल में आने का जो हमारा था वो ये था कि इधर आज बच्चों को दी जा रही है ग्रेजुएशन सेरेमनी, यानी कि जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको अगली कक्षा में भेजने के लिए उनके लिए आज इन्होंने सेरेमनी रखी है। तो आइए देखते हैं बच्चों के साथ इस सेरेमनी को, और बच्चे से कुछ खट्टी मीठी चटपटी सी बातें भी करते हैं। चलिए आइए। देख लीजिए, ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ साथ आज मैं भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ चुकी हूँ। मेरी टोपी जो आप देख रहे हैं, तो मैंने भी UKG आज पास कर ली और फर्स्ट क्लास में मैं जाऊँगी। तो इसी के साथ आइए बच्चों के साथ गपशप करते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं। तो चलिए आइए धनवी के साथ बच्चे जो हैं यहाँ स्कूल के छोटे छोटे नन्हे नन्हे इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कैसा इनको लग रहा है अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे। आइए मेरे पीछे देख ही रहे हैं बच्चे, चलिए इनसे बातें करते हैं।
तो आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, बच्चे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं। ब्लू कलर का इन्होंने पहना और येलो कलर की इनकी बाजू और जो इनको पहनाया है उस पर लैस टाइप लगा हुआ है। कितने सुंदर प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो लग रहे हैं। हेलो, क्या हाल है? ठीक है। हेलो करो, कौन सी क्लास में हो? के जी टू में। तो आपका नाम क्या है? क्या नाम है? रीति मैंगी। रीति, बड़ा सुंदर नाम है आपका। तो कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये कौन सा कलर है? ये है ब्लू कलर। और ये वाला? ये भी है ब्लू। ये भी ब्लू है। ये वाला ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर है। और ये कौन सा कलर है? पिंक कलर है। अच्छा, आपको सारे कलर्स नेम आते हैं? मुझे सुनाओ जरा कोई भी 5 कलर नेम। मुझे कलर नेम सुनाओ, कोई भी 5 कलर नेम। 5, एनी 5 कलर नेम। ब्लू, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ऑरेंज। सारे ठीक सुनाए। आपने देखा ही होगा, ये हमारी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया ने हमें सारे कलर्स नेम जो है वो सही सुनाए हैं, इसीलिए ये ग्रेजुएट हो चुकी है। चलिए आगे थोड़े से बच्चों से और मुलाकात करते हैं। करोगे आप मेरे साथ मुलाकात? हेलो, आपका नाम? मान्या राजपूत। पहले मान्या हेलो करो ना मेरे साथ। हेलो, थैंक यू मान्या हेलो करने के लिए। कैसे हो आप? हेलो, हेलो करो। हेलो, नाम क्या है आपका? अविलाज गांधी। अविलाज? यस। यहाँ पे क्या हुआ है? बर्थमार्क। अच्छा, बर्थमार्क है। तो आपको ये मिल गया? यस। कौन सी क्लास में थे आप? केजी टू में। तो ये मिल गया। अब आप कौन सी क्लास में हो जाओगे? फर्स्ट क्लास में जाओगे। मैं ये देख लूँ आपका? दिखाओ इधर, किधर दिखाओ इसको। कितना सुंदर है। यहाँ पे क्या लिखा है? अविराज बाली। ठीक है, ये क्या है अविराज? ये हाँ, ये किसने बना के दिया? मैम ने बना के दिया। क्या है इस पॉलीथिन में? पता नहीं। चलो ठीक है, रखो। अच्छा मुझे बताओ, आपको फ्रूट नेम आते हैं? मुझे कोई भी 5 फ्रूट नेम सुनाओ जो आपको पसंद हो। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और एक और वाटरमेलन। अच्छा, आपको वाटरमेलन पसंद है? तो अभी तो गर्मी आ रही है, आप वाटरमेलन खाओगे? ठीक है, इनको भी बोलो खाने के लिए। आप भी खाओ। तो अभी बाय करो, उधर बाय करो, बाय। मेरा है, क्या है आपका? देविका। देविका नाम है आपका? आप तो इतने क्यूट हो, कितने क्यूट हो। क्या लगाते हो आप मुंह पे? कुछ नहीं लगाते। कौन सी क्रीम? कोई तो क्रीम लगाते हो आप, इतने क्यूट हो। मुझे भी बताओ, मुझे भी क्यूट बनना है। वो वाली क्रीम। कौन सी वाली? मम्मा कौन सी क्रीम लगाती है सुबह? वो वाली जो नॉर्मल बेबीज लगाते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल बेबीज लगाते हैं, जॉनसन्स बेबी? यस। ओके, तभी आप इतने क्यूट क्यूट हो। यस। ओके, तो आपको मिल गया आपका सर्टिफिकेट? यस। अब आपने न्यू क्लास में जाना है? यस। कितना मन कर रहा है जाने का न्यू क्लास में? बहुत मन कर रहा है। तो कितने दोस्त हैं आपके? मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। बहुत ज्यादा फ्रेंड है। यस। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में पोटैटो। पोटैटो पसंद है। मुझे कोई पोएम सुनाओ। टोमेटोज आर रेड, रेड रेड, पीज आर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, टोमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, ब्रिंजल आर ब्राउन, ब्राउन। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही है। चलो, मुझे सॉन्ग आता है आपको? डांस आता है? मुझे करके बताओ थोड़ा सा। कौन सा गाने पे करते हो? काला चश्मा? साकी साकी? फिर कौन सा? नहीं आता डांस?
डांस भी नहीं आता? अच्छा ठीक है, मुझे कोई भी आप मुझे ना आप वेजिटेबल नेम सुना दो। वेजिटेबल नेम पोटैटो, पी पी ए टी ओ टी ए। और उसके बाद मुझे सिर्फ नाम नाम सुनाओ आप। नाम नाम? हाँ सिर्फ नाम नाम। ओकरा, बीन्स, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम। ठीक है। अच्छा तो आपको आता है गाना, सॉन्ग आता है? चलो करते हैं इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनको कौन सा सॉन्ग आता है, तो सुना दीजिए मेरे को आप सॉन्ग। मेरा नाम है दियांशी शर्मा। ओ यू आर सो एफ जी एच आई जे, आई डू माय बेस्ट एवरी डे। ओके, तो आपको गाना गाना आता है, सॉन्ग सॉन्ग नहीं आता? उसके बाद डांस करना आता है? मुझे करके दिखाओ ना। चलो चलो चलो, तो अब जो है नाम बता दो एक बार। दियांशी शर्मा। दियांशी शर्मा हमें थोड़ा सा डांस करके बताएंगे। दियांशी जी बता दीजिए डांस करके, कौन सा सॉन्ग पे? सॉन्ग नहीं आता, सिर्फ डांस आता है। चलो करके बता दो। दियांशी शर्मा, मेरा नाम है दियांशी शर्मा, मैं आज डांस करूंगा। ठीक है करो। मेरा नाम दियांशी शर्मा, मैं आज डांस करने जाता हूँ। करो भाई। ने दियांशी क्लास केजी टू। दियांशी शर्मा हाय, मेरा नाम है दियांशी शर्मा क्लास केजी टू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम क्लास केजी टू दियांशी शर्मा। हाय दियांशी शर्मा, आई डांस लाइक। डांस करो ना, करके बताओ। आई डू माय उधर उधर देख के। F G H I J, I do my best every day। ठीक है। अच्छा तो मुझे जाते जाते ये बता दीजिए, आपको कौन सा फेस्टिवल जो है वो बहुत पसंद है? मुझे क्रीम। हाँ क्रीम। मुझे टमाटो पोटैटो। मैं बोल रही हूँ आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, फेस्टिवल? होली पसंद है, दिवाली पसंद है, लोहड़ी पसंद है? होली। होली, तो आपने कल होली खेली? किस किस को कलर लगाया? नमन भैया को, मेरी अपनी बहन को। सबको लगाया? मम्मी पापा को लगाया? मुझे नहीं लगाया। लगा दो लगा दो ऐसे करके। आई नकली नकली। चलो ठीक है फिर, अब आप बैठो ठीक है। उसके बाद अभी और कोई हमें सिंगर मिल नहीं रहा है, ढूंढते हैं। गाना गाना आता है आपको? आपको सॉन्ग आता है? चलो आओ आप। भूमिका जी आप अपनी चेयर पर छोड़ दें, ये पीछे रखो, उठो उठ जाओ, ये पीछे रख लो। चलिए अब हम मिलते हैं इनसे। उधर देखो उधर देखो उधर, कितनी सुंदर क्यूट क्यूट है। नाम बताइए अपना। माय नेम इज भाविका शर्मा। ओके भाविका, आपको सॉन्ग आता है? यस। उधर देखो, सॉन्ग आता है? यस। सुनाओ फिर। आई एम अ लिटिल स्टार शाइन ब्राइट, ग्रोइंग बिगर एवरी नाइट। बस इतना ही? हिंदी सॉन्ग नहीं आता? ठीक है। और पोएम आती है कोई? सुनाओ पोएम सुनाओ, हिंदी पोएम सुना दो, इंग्लिश सुना दो, मैथ वाली पोएम सुनाओ। अच्छा मैथ वाली, टू का टेबल सुना दो। टू का टेबल नहीं आता आपको? आता है? ठीक है चलिए आप बैठिए, जल्दी जल्दी सुना दो। टू का टेबल। टू वन द टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू फोर द एट, टू फाइव द टेन, टू सिक्स द ट्वेल्व, टू सेवन द फोर्टीन, टू एट द एटीन, टू एट द सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन टू टेन जा ट्वेंटी। ठीक है, आपका नाम भी मुझे सुना दीजिए। आयुष सिंह। आयुष सिंह आगे भाऊ, फिर से बोलो आपका नाम। आयुष सिंह भाऊ। ठीक है, तो देखो इन्होंने कितना अच्छा हमें टू का टेबल सुनाया है। आयुष सिंह आपको मिल गया आपका सर्टिफिकेट? अभी न्यू क्लास में जाने का मन कर रहा है?
न्यू फ्रेंड्स बनाने का मन कर रहा है? तो फिर क्या क्या नया लोगे आप न्यू क्लास में जाने के लिए? बहुत कुछ में क्या क्या लोगे? लंच बॉक्स लोगे, पेंसिल बॉक्स लोगे, बैग लोगे, क्या लोगे? मैं लंच बॉक्स लूँगा और बैग लूँगा और पेंसिल। पेंसिल कौन सी पसंद है, नटराज वाली या शाकाला का बूम बूम वाली? कार्टून देखते हो? नहीं देखते? कभी नहीं देखा? क्या देखते हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते हो? ठीक है, बाय। एक फिर से नन्ही परी के साथ आपका नाम, व्हाट इज योर नेम? दिया जोहेल। आपको क्या करना अच्छा लगता है, डांस करना, सिंगिंग करना? सिंगिंग। कोई गाना आता है आपको? पोएम आती है। पोएम सुना दो फिर। मैं नमुना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय जय हिंद। बड़ा होके देश में सिपाही बनूंगा, इंडिया के आंखों का तारा बनूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाने बाय दम। बहुत ही अच्छी आपने पोएम सुनाई है। अच्छा मुझे बताओ, आपने होली खेली कल? खेली। कितनी खेली? बहुत ही ज़्यादा। कौन कौन से कलर आपने लगाए? पानी वाला भी उसके अंदर पानी डाल के रंग और पर्पल कलर। बस पर्पल कलर। तो आपने किस किस को बैलून मारे कल? बैलून तो किसी को नहीं लगने हुए। किसी को नहीं लगने हुए? पिचकारी मारी? पिचकारी। हाँ पिचकारी। कितना पानी डाला पिचकारी वाला? सारा जितना भी था टैंक फुल किया। कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको? ब्लू पिंक। ब्लू और पिंक कलर आपको अच्छा लगता है? आपका फेवरेट कलर है? ठीक है, तो फिर कौन सा फेस्टिवल पसंद है आपको? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो देखो बच्चों को जो है वो इंडिपेंडेंस डे पसंद है। इसी के साथ इन्होंने कितनी अच्छी हमें पोएम जो सिखाई है, एक बार हम इनसे डांस करना आता है? नहीं आता। चलो ठीक है, फिर बाय करते हैं आपके साथ, ठीक है? तो आइए, यहाँ पे बच्चों को जो यहाँ पर देखभाल इस टाइम में देखने को मिल रहे हैं वही टीचर्स कर रहे हैं। देखिए इनके ड्रेस कोड भी, थोड़ा इन्हीं से जान लेते हैं इनके बारे में। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम है और हमारे ड्रेस कोड साड़ी दिया हुआ है, एज आप जैसे कि आप सब देख रहे हैं। तो अभी हम बच्चों को सबको प्रिपेयर करके लेके जा रहे हैं, एक एक करके सब जाएंगे स्टेज पे अपने गिफ्ट्स के लिए। अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी है आज इनकी, और अपनी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्लास वन में जाएंगे, और इसी के साथ ये सब इन्जॉय कर रहे हैं अपना फंक्शन आज का। ठीक है, तो देख ही लिया होगा कि मैंने जैसे ही बच्चों के साथ बातें कर रही थी, मैम पीछे से ये जो इनका स्टाफ है वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को हैंडल कर रहा है। टीचर्स का ड्रेस कोड जो है वो साड़ी रखा हुआ दिख रहा है, ब्लू कलर की साड़ी है। आप देख ही सकते हैं एक बार पीछे भी टीचर्स खड़े हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छे से बच्चों को वो वेल ड्रेस कर रहे हैं, उनको अच्छे से बता रहे हैं जहाँ जहाँ उनको भेजना है। पीछे आप देखिए बच्चे कैसे लगे हुए हैं लाइन में, अपने अपने सर्टिफिकेट जो है ले भी रहे हैं और लेने जा भी रहे हैं। तो और टीचर इनको कितने अच्छे से गाइड करें ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या रहता है। बताएं मेरे पीछे देखिए इन्होंने कितना अच्छा ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए डेकोर किया है, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। देखिए ग्रेजुएशन सेरेमनी को काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है इन्होंने, और इसी के साथ आप देखिए लिखा है 2022, तो आपको यहाँ से पता चल ही रहा है ग्रेजुएशन सेरेमनी तो है ही है, वो भी 2022 की। तो नीचे जो है वो स्टार बना के लगाए हुए हैं, और इस साइड हम देखें अच्छे से आप देखिए ग्रेजुएशन सेरेमनी को कितने अच्छे से इन्होंने बाखूबी सजावट की है, डिकोर किया है काफ़ी अच्छे से। तो इसी के साथ देखिए स्टार के ऊपर एक स्माइल सा बना के इन्होंने लगाया है, और बच्चे भी जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं और कितने खुश रहते हैं, आपने देखा ही होगा। काफ़ी एक्टिव बच्चे देखने को मिले हैं मुझे यहाँ पे, बच्चों में काफ़ी जोश जो है वो भरा हुआ है, बिल्कुल भी हिचकिचाहट वो नहीं कर रहे हैं कुछ भी पूछने पर। तो जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा बच्चे कैसे घुल मिलकर मेरे साथ बातें कर रहे थे,
जो भी उनसे पूछा तो उन्होंने फटाक से हमें बता दिया है। काफ़ी एक्टिव बच्चे और बोल्ड बच्चे मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं, काफ़ी अपडेट बच्चे हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा कि उनको क्या पसंद है, कौन सा त्यौहार पसंद है, तो उन्होंने बोला इंडिपेंडेंस डे। तो वो बात जो है ना वो सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे कितने एक्टिव हैं। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी पसंद आया, पीछे देखिए बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी झूले लगाए हुए हैं, अच्छा है, गार्डन भी बनाया है, टीचर्स भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो बच्चों को कर ही रहे हैं। देखा ही होगा आपने, मैंने काफ़ी बताया आपको पीछे कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पॉइंट पॉइंट पे जो है वो गाइड कर रहे हैं, जो बच्चों को आगे बच्चों का भविष्य संवारने का जो मेन कार्य होता है वो एक जो टीचर है उन्हीं पे निर्भर रहता है। तो जो भी चाहता है अपने बच्चों को बोल्ड बनाना, कॉन्फिडेंशियल बनाना, और उसी के साथ जो इनमें एक्टिवनेस आपको देखने को मिली है, तो वो इस स्कूल में बच्चों को एडमिशन ज़रूर करवाएं, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल पोरखू दबाना में। तो एडमिशन जो है वो खुल चुकी हैं, अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी यहाँ पे दाखिल कराएं, एडमिशन करवाएं, ताकि वो भी बच्चे जो हैं इन्हीं की तरह अच्छे और इन्हीं की तरह बने कॉन्फिडेंस बोल। तो जुड़े रहिएगा द जेके पेजेस के साथ। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।